चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। यहाँ पे गन्ना अगर है और पेमेंट समय तो मिल जा और खुशहाल है और नहीं तो परेशानी है। आप हमारी फसल का दाम समय पे दे दो है? हमें 2000 रुपए की भीख क्यों दे रहे आप? समस्या देख तो बाजार जाके देख लो, देखे आपने खड़े हुए रोज है ना, 5-4 मरे, 5-4 आदमी मरे रोज। सीसे में आपका स्वागत है और आज हम उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में है और बागपत का एक किशनपुर बिराल गांव है जहां पर हमारे साथ कुछ किसान बैठे हुए हैं और हम किसानों के साथ चर्चा करेंगे किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो किसान है जो गन्ने की खेती करता है वो किस स्थिति पर आ गया है, गन्ना भुगतान ना होने की वजह से कितनी दिक्कतें उसे हो रही है, किन समस्याओं का सामना किसान कर रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? क्या नाम? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, एक उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंकड़ा है अभी जो गन्ना भुगतान का एक जो मामला है, एक बड़ा मुद्दा किसानों के बीच गन्ना भुगतान का रहा है। आपको क्या लगता है कि कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसान को गन्ना भुगतान अगर नहीं हो रहा? भाई देखो, अगर गन्ने के ऊपर ही आश्रित है तो सब किसान यहाँ पे, गन्ना अगर है और पेमेंट समय तो मिल जा और खुशहाल है और नहीं तो परेशानी है, इसमें गन्ना पेमेंट हो नहीं रहा। किन दिक्कतों का सामना होता है किसानों को अगर भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है? सारी दिक्कत है, दवाई खाद ये सब चीज लेनी पड़े, बोल पेमेंट बिना सारा घर का काम रुके, परिवार कैसे भी सारा पानी सब इसी के ऊपर डिपेंड। आजकल जो किसान जूझ रहा है समस्याओं से, मुख्य समस्या मुख्य समस्या देख तो बाजार जाके देख लो, देखे आपने खड़े हुए रोज है ना, 5-4 मरे, 5-4 आदमी मरे रोज, एक्सीडेंट हो रहे बहुत जी। लेकिन बड़ी बड़ी गौशाले, बड़ी बड़ी गौशाला के नाम पे कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है, पैसा खाया जा रहा है गौशाला में। आप छोड़ गए पशु को, आज छोड़ गए, तीसरे दिन आपको 5000 रुपए लेंगे तब वे रखेंगे उसे, 5000 हम दे भी देंगे उसमें छोड़ भी आवेंगे, तीसरे दिन वो फिर आपको खेत में मिलेगा, वे निकाल देंगे बाहर निकाल दे, वही कहा उनका लोड उठा पा रहे, वे भी नहीं उठा पाते। अब गौशालाओं पर इतना लोड है, बहुत ज्यादा पशु है, ज्यादा गौशाला है थोड़ी। अच्छा, मीर भुगतान नहीं दे रहा, एक में खेत एक ईख नहीं हो रही खेतों में, बताओ जिसका थोड़े दो पैसे बाहर से नहीं वो कहाँ तक करेगा? मजाक की बात बता दो, जिसका नौकरी पैसा नहीं है वो कहाँ से करेगा? वो भूखा है आज किसान के टाइम पे, भूखा है छोटा था एक शान, 8-8, 9-10 बीघा था एक शान, और उसका नौकरी आती नहीं है, घर में परिवार के जा कतवाड़े, न तो बिजली का बिल पड़ता, न उनकी फीस जाती, न उनका एक टाइम सब्जी रह जाएगी, दूसरे टाइम कुछ नहीं रहता। सरकार और उनके लोग तो दावे करते हैं कि हमने किसानों के लिए इस तरह की सुविधाएं की है, जैसे एक सम्मान निधि योजना सरकार दे रही है। सम्मान निधि क्या है, एक बात बताओ? सम्मान निधि, आप हमारी फसल का दाम समय पे दे दो है? हमें 2000 रुपए की भीख क्यों दे रहे आप? अरे हमारा हक दो ना हमें, ये तो भीख है, हक तो दे नहीं रहे हमारा, हर हक तो मार के बैठ गए हमारा, और बोटू के लिए तो 2000 रुपए बैठ दिए उन्होंने, क्या फायदा? ये तो बोट खरीद रहे 2000 रुपए मारे, इनका तीन है एक नहीं आया, और किसानों का भला इस सम्मान निधि तो हो नहीं सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। किसान का फायदा जी भी हो सके अगर उसे उसकी फसल का सही दाम मिले, समय पे मिले और साधन उसे सब अच्छे तरह से मिले। अभी एक अग्निवीर योजना शुरू की, इसको आप कैसे देखते हैं, इसको कैसे आप समझते हैं? जब यह सरकार आई, ये प्रधानमंत्री ये कहता था जहां फौजी दिखा उसे सीधे सैल्यूट करो, ऐसे है सम्मान दो उसे, है किसान का भी सम्मान करेंगे हम, ये करेंगे। पहला वार किसान पर करे और दूसरा वार जवान पर किया, क्या नहीं किया? या जो योजना लेकर आए, इनके पास इतना पैसा ही नहीं रहा कि ये सरकार फौजियों की तनख्वाह दे सके, पैसा ही नहीं है, फौज की संख्या घटाने जा रही, हर साल 40,000 की भर्ती करेगी, 30,000 बार कर देगी, 40,000 रह जाएंगे, वो 10,000 रह जाएंगे, पहले होते थे 50,000 हर साल भर्ती। तो कहने का मतलब है इनके जो नारे हैं वे केवल कागजी नारे हैं, लोगों को बहकाने के लिए नारे हैं, और नहीं तो इनके मन में उनके प्रति कोई भी सम्मान नहीं है। किसान खेती करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है? किसान तो खेती करना चाह, पर खेती करने की स्थिति में रहा तो नहीं, देख तो लो क्या हालत है, पेस्टिसाइड इतनी महंगी है, सही तरीके तक गेर ही नहीं सकते, भाव दूने हो गए इसके, गेरने में भी असमर्थ है, खेत में कीड़ा लग रहा, कैसे हटा मैं उसे? तो उत्पादन पहले से नहीं दे रहे नया, इसमें बीज बेकार हो गए, अच्छा बीज नहीं दे रहे,
नहीं तो मी पहले आ गया मील में आ जा कर वैरायटी अलग अलग आ जा दे नहीं रहा माला मील दे नहीं रहा कुछ भी। तो उत्पादन पहले जो उत्पादन होता था फसलों का और अब जो होता है कितना अंतर घट रहा है। जा अगर कीड़ा लगेगा देखो कीड़ा लगेगा खेत पैदावार घटेगी पैदावार घटेगी तो किसान नुकसान में जाएगा। पिछले 8-10 सालों में किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिले खेत में? खेत में तो बदलाव आएगा, हर साल आ गया बदलाव। उत्पादन फसल का उत्पादन पहले से घटता जा रहा, दवाई बत्ती हो जाएगी। एक बात बताओ आपको, ये भी है 3-4 साल तक ही बीज आ रहा है स्वामी खड़ा। इससे पहले बीज थे कंटी वाला था 48 था, 2 दड़ी का बीघा खाद गिर नाम की फसल थी, कुछ दवा नहीं गिरने किसी को नहीं गिरने गिरने की दवा इनमें तो 8 बजे गिरने पड़ेगी यार दवा गिरने धोने के लिए खत्म हो जाएगी। नाम की देखती थी इतनी मान लिया इतने जहर गिरेगा इतनी दवा गिरेगी। अब की बार हम मान लिया किसी खेत में 4 cc गिर रहे अगली बार 8 चाहूंगी उसमें। ऐसा क्यों हो रहा है कि बीज नहीं है गवर्नमेंट के पास? मैंने समझाया सरकार मील दे को बीज दे नए बीज दे किसी को भी यू बीज हट जाएगा अपना भी छूट जाएगा इतना पैसे का खर्चा कौन करेगा सर? लेकिन बहुत सारे लोग मतलब सरकार की भी दावे कर रहे हैं कि हमने एग्रीकल्चर को इस तरह से बढ़ाया है पिछले समय में, तो जमीन पर क्या स्थिति है कि एग्रीकल्चर में कितना बढ़ावा? झूठी बात है कुछ नहीं यहाँ, ये जो है ये घटन घटन लग रहा बढ़ रहा सब तो बड़ी समस्या है आवारा पशु। हमारे यहाँ ज्वार नहीं होती, ज्वार का भाव 2000 रुपये बिस्सा है यानी के 14000 रुपये बीघा। लेकिन आवारा पशु का कोई बंदोबस्त नहीं किया? कुछ नहीं किया। ये बैठे 100-200 आराम तो बैठ रहे, रात को चल देंगे निकल कर खा कमेंगे। हम उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में थे जहाँ पर किशनपुर बिराल गांव में हमने किसानों से बात की और जानने की कोशिश की कि किसान की फसलों का क्या हाल है, किसान के भुगतान का क्या हाल है। शीशे से जुड़े रहिए, उत्तर प्रदेश से किसानों के संबंधित खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।